हाय, दिस इज़ मी जिज्ञासा सिंह और आज मैं आई हूँ डॉक्टर पराग तेलंग के साथ एंड मेरे कुछ स्किन इश्यूज हैं तो मैं डिस्कस करने वाली हूँ इसे। हाय जिज्ञासा, वेलकम टू आवर क्लिनिक। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर सर। सो बेसिकली आई एम हियर टू डिस्कस सर, आई एम गेटिंग दी स्मॉल बम्प्स ऑन माई स्किन जो नॉर्मली नहीं होते हैं। आई ट्राई टू कीप माई स्किन वेरी हाइड्रेटेड एंड क्लीन, बट मे बी बिकॉज ऑफ मॉनसून आई एम जस्ट गेटिंग लॉट ऑफ एक्ने एंड वो एक के बाद एक ब्लेमिश भी आ रहे हैं उसकी वजह से। सो व्हेनेवर यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ ब्रेकआउट्स, नो योर स्किन इज गिविंग यू अ साइन दैट यू शुड नॉट अप्लाई एनीथिंग न्यू। सो बाय एंड लार्ज व्हेन समवन लाइक यू हैज अ सेंसिटिव स्किन, सो यू शुड स्टिक टू योर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स, डोंट यूज एनीथिंग न्यू। बिकॉज मेकअप का जो फाउंडेशन है, इसके अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स आप जब यूज करते हैं ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद को समझेगा विच प्रोडक्ट सूट्स योर स्किन। सो स्टिक टू ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स। ऑफकोर्स एज यू सेड, वेदर चेंज से थोड़ा बहुत स्किन में चेंजेस आते हैं। सो इफ यू फील थोड़ा सा भी ऑयलीनेस आया है स्किन में या थोड़ा सा ना एक्ने आ रहे हैं, सो आई गिव यू अ फेस वॉश। नाउ व्हेनेवर यू बाय अ फेस वॉश, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस वॉशेज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन। What you need basically if you are having breakouts is to use a face wash which has a medicine called salicylic acid. Okay. So I'll give you a face wash with that particular medicine. Okay. वो आप दिन में दो बार use करिए. Right. And I'll give you an antibiotic gel. So whenever there is an active acne that comes up, आप immediately वो spot पे लगाएंगे. It will go away. And don't keep scratching. No. Don't touch the skin. Yeah. Okay doctor, so any special facial or any cleanup you would suggest me if I can do? Yeah, we have 2-3 treatments which are very effective for your kind of skin issues. Right. So whatever we apply from outside, be it a cream, be it a facial, that is temporary. But whatever work we do on the skin, such as laser, that tends to be more permanent. So as the interim period, कि आपका acne कम हो, इसके लिए आप एक medifacial कर सकते हैं। So we have a very good medifacial called vitamin C medifacial. So उससे आपका under eye का darkness हो या skin पे glow आएगा, so you can do that. And then later on, if you want to target the cause of your acne, which is the oiliness of the skin, then there is a laser called as fractional CO2. So ये laser का क्या technique होता है, there is a numbing cream that is applied on the skin एंड देन वो लेजर की लाइट एनर्जी आपके स्किन पे दी जाती है, सो दैट मेक्स द स्किन लुक वेरी पॉलिश्ड एंड स्मूथ। सो जो भी ओपन पोर्स होते हैं, जो भी ब्लेमिशेस होते हैं स्किन में, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज ऑन HD, एवरीथिंग इज इन वेरी हाई डेफिनेशन, सो इमीडिएटली वो दिख के आते हैं, इवन मेकअप वो हाइड नहीं होते। सो फ्रैक्शनल CO2 इज अ गुड ऑप्शन फॉर गेटिंग एब्सोल्युटली फ्लॉलेस स्किन। इट इज डन वंस अ मंथ, ऐसे 5 सेशन उसके करने होते हैं। ओके सर। Okay sir, so we can go ahead with the vitamin C facial right now. So I think for your current skin problem, let's do a vitamin C facial. So उससे आपकी skin एकदम smooth हो जाएगी and उसपे अच्छा glow भी आएगा. So उसके बाद आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं. Okay doctor, let's do it. Thank you. This is a small gift from our clinic. Thank you so much sir. Yes. So let us see what it contains. आप निकालिए, मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या है. क्या मिला आपको? सन फेस वॉश। या सो दिस इज अ वेरी गुड फेस वॉश फॉर एक्ने प्रोन एरियाज और फॉर ऑयली एरियाज ऑफ द फेस। तो इसको आप एटलीस्ट दो बार यूज करिए, वंस इन द मॉर्निंग वंस इन द इवनिंग, सो योर स्किन विल लुक फ्लॉलेस। ओके सर। और क्या मिला आपको? एंड दिस वन बॉक्स, दिस इज फॉर हेयर। यस सो हेयर को हम बाहर से जो भी लगाते हैं वो टेम्पररी होता है, बट व्हेन यू टेक विटामिंस उससे आपके हेयर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, तो आपको हेयर फॉल, हेयर जड़ना सब बंद हो जाएगा। दिस कैप्सूल वन एवरी नाइट फॉर 3 months एट लीस्ट टू टेक। ओके सर। सो दिस हैज बायोटिन, जिंक, व्हाटएवर द हेयर नीड टू ग्रो, सब कुछ है उसमें। एक आपको रोज लेनी है कैप्सूल। ओके सर। गुड, दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। थैंक यू सर।